आधुनिक मानव के विकास में आइस एज यानी हिंद युग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। पृथ्वी पर अब तक कुल 5 आइस एज हुए हैं। पृथ्वी के हिम युग में जाने तथा हिमयुग से बाहर निकलने के समय को ग्लेशियल और इंट्रा ग्लेशियल क्रम में बांटा जाता है। जब जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित हिम पिघल जाता है और पृथ्वी के भूखंड जल में डूब जाते हैं। मिलान कोविच के अनुसार दोनों घटनाएं पृथ्वी अपनी धुरी पर कम झुकी होती है तथा साथ ही साथ एपिहेलियन पॉइंट, जो कि पृथ्वी का सूरज सबसे अधिक दूरी का बिंदु होता है, पर होती है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जल जमने लगता है, जिससे पृथ्वी कोल्ड एज या हिमयुग में प्रवेश करती है। लगभग 10 मिलियन सालों पहले कोलोराडो रिवर तथा हिमालय बना, जिससे पृथ्वी और अधिक ठंडी होने लगी। पनामा स्ट्रीट ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका को मिलाया। पृथ्वी के ठंडे होने पर हमारे प्राचीन एंसेस्टर एडिपिथिस रेमिडियस पेड़ों पर सुरक्षित रहते थे, पर तभी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के निर्माण के कारण मौसम बदलने लगा और कम बारिश के कारण पेड़ घटने लगे तथा मैदान बड़े बड़े घास के मैदानों से भर गया। ईस्टर्न अफ्रीका में कुछ एप्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने खाने के लिए पेड़ों से नीचे उतरना शुरू किया और दूर देखने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगे, जिससे उनके हाथ मुक्त हो गए, जिससे वे खाते खाते चल सकते थे। और फिर उनको सिलिकन मिला। सिलिकन क्रिस्टल के आकार को नुकीला बनाकर होमो हैबिलिस ने हथौड़े और औजार बनाने शुरू कर दिए। इस समय को स्टोन एज कहते हैं। दूसरी खगोलीय पिंडों पर लावा तथा बिजली तो थी, पर केवल पृथ्वी पर ही ईंधन के रूप में लकड़ी और वातावरण ऑक्सीजन से भरा हुआ था, जिससे होमो इरिक्टस ने आग को 800,000 साल पहले काबू में कर लिया। ये समूह में रहते थे, पका भोजन खाते थे, जिससे खाना पचाने में कम ऊर्जा खर्च होने लगी तथा अब इनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा। लगभग 200,000 साल पहले इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिससे सूचना का आदान प्रदान करना आसान हो गया, जिससे खतरे, पानी और खाने की जानकारी देना आसान हो गया। समय के साथ साथ होमो नेंडरथल तथा होमो सेपियंस का विकास हुआ, जिसमें होमो सेपियंस वो पहले मानव बने जिन्होंने लगभग 1,000 साल पहले आग और हथियार तथा बात करने की क्षमता के साथ अफ्रीका महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी ने पुनः आइस एज में प्रवेश प्रारंभ किया। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिण सिरे बर्फ की चादरों से ढकने लगे। शुरुआती 30,000 साल पहले होमो सेपियंस चीन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे। वहीं होमो सेपियंस मानव यूरोप पहुंचा तथा लगभग 20,000 साल पहले टुंड्रा के साइबेरिया के नॉर्थन ईस्ट पर पहुंचा। अब पृथ्वी के अधिकतर भाग बर्फ से पूरी तरह ढक गए। आइस एज ने आदमी को पृथ्वी के सभी किनारों तक पहुंचा दिया, पर जल्द ही आइस एज के खत्म होते होते मानव समुद्रों के पुनः बनने के कारण अलग अलग द्वीपों में फंस कर रह गया। ग्लेशियर पिघलने लगे और नदियों का रूप लेने लगे। इन नदियों के किनारे की जमीन उपजाऊ थी, जिससे आदमी ने खेती करना सीखा और अब मानव इन्हें खाने के लिए घुमक्कड़ जीवन जीना बंद कर दिया। अब आदमी की जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसकी भूख को पूरा करने के लिए खेती एक अच्छा साधन था। इस समय बनी कुछ प्रमुख नदियां नील मिश्र में, टाइग्रस यूरोप में, सिंध भारत पाकिस्तान में, यांगसी चीन में हैं। आइस एज के खत्म होते होते खेती में ज्वार, बाजरा, गेहूं और चावल को भी जगह मिलने लगी। तभी मध्य एशिया में पशुपालन होने लगा, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को भोजन तथा मालवाहक के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। पर पृथ्वी के कुछ अलग थलग पड़े इलाकों, जैसे ठंडे इलाके और रेगिस्तान से भरे हुए इलाकों में मानव सभ्यता विकास न कर पाई और वो अभी भी शिकार पर निर्भर करती रही। पर कुछ इलाके जो नदियों के किनारे बसे थे,
बड़े बड़े नगरों के रूप में बनने लगे, जैसे नील के किनारे उर्द मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, येलो यांगसी सभ्यताओं के रूप में हमें मिलती हैं। अब मानव सभ्यता 90% अनाज पर निर्भर करने लगी और मानव ने अनाज को बचाने के लिए बड़े बड़े शहर बनाने शुरू कर दिए। इन शहरों में पहली लिपि बनाई गई तथा अनाज की रक्षा के लिए सेना, और क्योंकि अगर अनाज एक बार खराब हो जाता तो पूरे साल भर खाने के लिए कोई दूसरा साधन न होने के कारण बड़े बड़े नगरों में शासन व सरकारें बनने लगी। अब बड़े बड़े नगरों के मध्य व्यापार भी होने लगा। व्यापार करने के लिए सबसे उपयोगी पशु गधा था। समय के साथ साथ पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग साम्राज्य बनने लगे, जिनकी जानकारी नीचे दिए गए लिंक में YouTube चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ विभिन्न देशों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता आई, और जिसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हुई, जिससे धीरे धीरे सभी देश गणतंत्र व लोकतंत्र की ओर चल पड़े और आज का स्वरूप हमें मिला। दोस्तों, जैसा कि अब तक की ब्रह्मांड से मानव सभ्यता तक के कालक्रम में हमको यह पता चलता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति लगभग 2 लाख साल पहले ही हुई है, और इस पूरे क्रम में मानव ने बहुत से खतरों का सामना किया है, जैसे 2 विश्व युद्धों का सामना किया है, हैजा प्लेग जैसी महामारियों का सामना किया है, और वर्तमान में भी कोरोना जैसे विषाणु के हमले का सामना कर रही है। ये मानव सभ्यता की अपेक्षा घड़ी है। मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से पूर्व में हिमयुग में मानव सभ्यता बची थी, इसी तरह आगे भी हम इस कोरोना के खतरे से भी उभर जाएंगे। धन्यवाद।